नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए आप मान करके चलें कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आप मान करके चलें क्योंकि 3 नवंबर तक हरियाणा की नई विधानसभा का गठन हो जाना है, तो दीपावली से पहले संभावना ऐसी है, यानी कि 1 नवंबर और हरियाणा दिवस और उसी दिन दीपावली है, उससे पहले पहले हरियाणा की सरकार बन जाएगी। आपको ध्यान हो तो 2019 के अंदर दीपावली के दिन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, 25 अक्टूबर को 2019 में मनोहर लाल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। 25 अक्टूबर उस दिन दीपावली थी। और आज का सिनेरियो आप मान करके चलें तो दीपावली से ठीक पहले या फिर उसी दौरान में हरियाणा की सरकार का गठन हो जाएगा, हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों, मैं लगातार आपसे हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा में रहता हूं। आपको बताया करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको जानकारी दें कि अमुक विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है। अभी तक मैंने आपसे दक्षिण हरियाणा से लेकर पश्चिम हरियाणा और उत्तर हरियाणा से लेकर के जाटलैंड तक तमाम प्रदेश के कोनों में अलग अलग सीटों की विधानसभा की स्थिति बताई कि आखिर चल क्या रहा है। आज मैं आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की पॉलिटिकल हर्ट, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसे हरियाणा का राजनीतिक दिल कहा जा सकता है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से कि तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी समर की जो ऐलान किया करते हैं, चुनावी बिगुल बजाया करते हैं या राजनीतिक रणनीतिक संघर्ष का ऐलान करते हैं, वो विधानसभा क्षेत्र उसके लिए काफ़ी राजनेताओं की पहली पसंद रहता है। और मैं आपसे चर्चा में हूँ उसी विधानसभा क्षेत्र जिसे जींद कहते हैं। जींद हरियाणा का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र, लगभग 2 लाख से अधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र जींद। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2019 के चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या थी वो लगभग 1,85,000 के आसपास थी, जो अब 2024 के चुनाव के अंदर आप मान करके चलें तो वो लगभग 2 लाख के आसपास मतदाता हो जाएंगे। मैं आपसे जींद का राजनीतिक परिदृश्य आपसे शेयर करूं कि वहाँ पर जातिगत समीकरण क्या बनते हैं। तो आप जींद में मान करके चलें कि लगभग 50-55 हज़ार के आसपास वहाँ पर जाट मतदाता हैं, लगभग इतने ही 50-55-52 हज़ार के आसपास वहाँ पर SC मतदाता हैं, दलित मतदाता, जिसके अंदर तमाम सभी जाति आ जाती हैं, उनमें जाटव आ जाते हैं, उनमें वाल्मीकि आ जाते हैं, उनमें ओड़ राजपूत आ जाते हैं, उसके अंदर जो यानी कि SC दलित समाज की सारी जातियां उसके अंदर हैं, उनकी लगभग वोटर संख्या 52-55 हज़ार के बीच में है। उसके बाद आता है तो फिर यहाँ पर BC मतदाता आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लास के मतदाता, जिनकी संख्या भी लगभग 30 हज़ार के आसपास है। और अगर अगला देख के चलें आपके साथ तो फिर उसके अंदर पंजाबी मतदाता है लगभग 15-16 हज़ार के आसपास, और लगभग 1500-2000 के आसपास सिख मतदाता भी हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ लें तो लगभग 17-18 हज़ार के आसपास पंजाबी मतदाता हैं, लगभग 15 हज़ार के आसपास यहाँ सैनी मतदाता भी हैं, 10 हज़ार के आसपास यहाँ पर अग्रवाल मतदाता भी हैं, लगभग 28-28 हज़ार यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता भी हैं, और लगभग 3 हज़ार के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं, यानी कि सब मिलाकर के करीब करीब 2 लाख मतदाता यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपसे बात करूँ राजनीतिक सिनेरियो की तो क्या रहा, 2009 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो विधायक बने वो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा चुनाव जीते, 2014 में भी हरिचंद मिड्डा चुनाव जीते इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, 2014 के चुनाव के बाद में 2017 में डॉक्टर मिड्डा का निधन हो गया और उनके स्थान पर यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जब हुआ तो उस समय तक इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक तरफ इनेलो थी और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी हो गई, और यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण बदला वो जननायक जनता पार्टी के पास ज़्यादा बड़ी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता चले गए। उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के अंदर डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया, और अब की बार उनका जो निशान था मिड्डा परिवार का वो बदल गया, एनक से फूल हो गया, कमल का फूल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और उनको BJP ने अपना कैंडिडेट बनाया। उस विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा चुनाव जीत गए और दूसरे स्थान पर रहे वहां पर दिग्विजय चौटाला, जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट। कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट बनाया रणदीप सिंह सुरजेवाला को,
रणदीप सिंह सुरजेवाला उस चुनाव के अंदर विधायक थे, उस दौरान विधायक थे खुद कैथल के, लेकिन विधायक होते हुए उन्होंने विधायक पद के लिए ही उपचुनाव लड़ा और यहाँ पर वो तीसरे स्थान पर रहे जींद के उपचुनाव में। बाद में 2019 आ गया, 2019 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इस चुनाव में भी लगातार दूसरी बार, यानी कि पहला उपचुनाव और दूसरा फिर आम चुनाव, जो चुनाव होता है उसके अंदर विधानसभा आम चुनाव जो हुआ उसमें डॉक्टर कृष्ण मिड्डा फिर से चुनाव जीते और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने लगभग 58,000 वोट लिए, 58,000 से ज़्यादा। उनके मुकाबले जो कैंडिडेट रहे वो रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो कैंडिडेट कृष्ण मिड्डा के मुकाबले जो कैंडिडेट रहे वो हुए जननायक जनता पार्टी JJP के कैंडिडेट महावीर गुप्ता। महावीर गुप्ता पूर्व बड़े हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता उनके बेटे हैं, और महावीर गुप्ता को टिकट दिया जननायक जनता पार्टी ने, जा करके उनके निवास पर जा करके उनके साथ बात हुई और उनको टिकट दिया। और उस चुनाव में महावीर गुप्ता को लगभग 45,000 से ज़्यादा वोट मिले और लगभग 12,000 वोट से चुनाव जीते डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे अंशुल सिंगला, उनकी वोट लगभग 7,000 के आसपास आई, जमानत जब्त हो गई। चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही, पांचवें स्थान पर रामकुमार सैनी की पार्टी के कैंडिडेट रहे और NLO के कैंडिडेट, छठे स्थान पर रहे बिजेंदर रेडू। ये स्थिति रही जींद के अंदर 2019 में। अब तैयारी 2024 की है, 2024 के विधानसभा चुनाव में। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव के अंदर जींद आता है सोनीपत लोकसभा के तहत। सोनीपत लोकसभा जो है उसके अंदर जींद और सोनीपत दोनों जिले आते हैं, और जींद की जो विधानसभा सीट है ये भी सोनीपत लोकसभा का हिस्सा है। और आप माने तो चुनाव परिणाम यहाँ पर अब की बार अप्रत्याशित रहा। जींद विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे सतपाल ब्रह्मचारी, वो जीत करके निकले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जींद में ऐसा होगा, सतपाल ब्रह्मचारी जीत सकते हैं, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी जीत करके गए। आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे सांसद के लिए सोनीपत से, और बड़ौली साहब जींद की विधानसभा में हार करके गए। पांडु पिंडारा की वो धरती जींद, जिसके अंदर कि ये बड़ा परिवर्तन हुआ। अब तैयारी 2024 के विधानसभा चुनाव की है। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर माना जाए तो राजनीतिक हवाएं ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां चुनौती है अपना गढ़ बचाना, अपनी सरकार बचाना वापस, क्योंकि दो बार लगातार सरकार बन चुकी है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ेगा BJP को। और उनके मुकाबले कांग्रेस भी इस समय इतने दमखम में है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ 5 सांसद जीतने के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोग दमादम हैं। राजनीतिक हवाएं कह रही हैं कि जैसे कांग्रेस के पक्ष की कुछ बयार चल रही है और स्थिति में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का रहना है। हालांकि दोनों ही पार्टियां, मैंने आपको अपने एक वीडियो में कहा था कि दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस तलवार की धार पर हैं, जहां कहीं चूक गए वहीं मान लो कि हलाल हो जाएंगे। यानी कि दोनों पार्टियों के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन, अच्छे कैंडिडेट दिए जाए, जिताऊ कैंडिडेट हों, विनिंग कैंडिडेट हों, तो जा करके चुनावी मुकाबला होगा। और नहीं तो हो सकता है कि कोई तीसरी पार्टी भी, खासकर NLO और बसपा का तो गठबंधन हो ही चुका है, ऐसी राजनीतिक पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनौती बन सकती है और इस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अब अगर मैं आपसे बात करता चलूं जींद विधानसभा को लेकर के कि 2024 के चुनाव की आखिर तैयारी कैसी है, कौन कौन कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, किन की बात बन सकती है, कौन कितनी लड़ाई लड़ सकता है, तो आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की चर्चा आपसे कर लें। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा यहाँ से विधायक हैं आजकल। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा लगातार दूसरी बार विधायक हैं और दो बार ही उनके पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा विधायक रहे, यानी कि मिड्डा परिवार का दबदबा है। डॉक्टर मिड्डा के बारे में अगर आप जींद में चले जाएँ तो आप कहीं से पूछ लें, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के लिए आपको चारों तरफ से पॉजिटिव बयार दिखाई देगी। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की इनकंबेंसी भी है, अगर हम कहूँ तो मैं फिर 2009 से लेकर 2009, 2014, 2019 लगातार 15 साल
मिड्डा परिवार जो रहा तो परिवार की भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। इस सब को देखते हुए माना ये जा रहा है, वहाँ के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा मजबूत तो हैं लेकिन अब की बार मुकाबला कड़ा हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है जींद विधानसभा के अंदर। अगर मैं अगले आपसे बात कर लूँ अगले कैंडिडेट की, तो भारतीय जनता पार्टी से क्या कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। फिर राजेश गोयल का नाम आ जाता है। राजेश गोयल मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे जो उनके निजी सहायक सचिव, उनके यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री निवास पर वो रह चुके हैं एक ठीक ठाक अहदे पर। उसके बाद नाम आता है तो जवाहर सैनी। जवाहर सैनी की धर्मपत्नी नगर परिषद की अध्यक्षा भी रही हैं। जवाहर सैनी खुद भी टिकट मांगते थे, उपचुनाव में भी टिकट की डिमांड थी उनकी, और जवाहर सैनी प्रदेश लेवल के एक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, दावा जवाहर सैनी का भी है टिकट के लिए। ये प्रमुख नाम है भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट चाहते हैं। अगर बात कांग्रेस की आ जाती है तो कांग्रेस जो 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, इस चुनाव में 2024 के लिए कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस में कैंडिडेट्स की कतार है। बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं जो टिकट चाहते हैं, मैं आपसे जिक्र करूंगा प्रमुख नामों का। लेकिन इसके साथ ही बात ये भी आ जाती है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए और टिकट एक को मिलनी है कहीं वो गड़बड़ ना हो। अगर मैं कैंडिडेट्स की चर्चा कर लूँ तो कौन कौन प्रमुख रूप से दौड़ में है, तो यहाँ पर पहला नाम फिर वही महावीर गुप्ता का आएगा जो पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे 2019 में। पूर्व मंत्री वित्त मंत्री पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के बेटे महावीर गुप्ता। महावीर गुप्ता अब की बार जो तैयारी कर रहे हैं वो कांग्रेस से कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जमे हुए हैं पिछले 2.5-3 साल से, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक भी हैं। पिछली बार उन्होंने लगभग 45-46 हज़ार वोट लेकर के ये बता दिया था कि जननायक जनता पार्टी का तो जितना साथ था वो था ही, ये भी बता दिया था कि मुझमें भी दम कम नहीं है, यानी कि मांगेराम गुप्ता जी के नाम पर वहाँ का जो उनका समर्थक था उनका शुभचिंतक था उसने उनको पूरी ताकत दी। अगर मैं कांग्रेस से आपको अगला नाम कहूँ तो अगला नाम आ जाता है बलजीत रेडू। वहाँ पे एक लक्ष्य मिल प्लांट है, उसके मालिक हैं, और बलजीत रेडू का भी बड़ा नाम है। बलजीत रेडू वहाँ पर राजनीति के अंदर पहले भी पूरा अपना इंटरफेयर करते रहे और अब की बार चर्चाएँ हैं कि वो भी टिकट की दावेदारी में हैं। अगर कांग्रेस से मैं अगला आपसे नाम लूं तो फिर अगला नाम आ जाता है प्रदीप गिल। प्रदीप गिल कभी इंडियन नेशनल लोकदल में रहे थे, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ के। बाद में जब इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में हुई तो वो धीरे धीरे कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेस से तैयारी में हैं प्रदीप गिल। अगर मैं आपसे अगला नाम लूं कांग्रेस के लिए तो फिर अगला नाम आ जाता है राजू लखीना। ये नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़े थे, कभी ये खास हम खास हुआ करते थे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो भाजपा के विधायक हैं कभी उनके नज़दीकियों में शामिल थे। इनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया था मेयर के लिए भी, और कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया था, तो उस स्थिति में चुनाव मैदान में उतर गए थे निर्दलीय, और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए लगभग इन्होंने 12-13 हज़ार के आसपास वोट इन्होंने लिए, और यहाँ पर जो चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी की सैनी साहिबा, और उनको वोट मिले लगभग 25,000, यानी कि उनको टक्कर देते हुए इन्होंने भी वोट, यानी कि लखीना साहब ने भी वोट ठीक ठाक लिए। अगर मैं आपसे अगला नाम कहूँ तो फिर रणवीर भारद्वाज का नाम आता है। रणवीर भारद्वाज, ये जो चारों नाम मैंने आपको पहले बताया ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक हैं, और रणवीर भारद्वाज का नाम अगर लिया जाए तो उनको कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के क्लोज माना जाता है। तो कांग्रेस के अंदर ये 4-5 नाम है, हालांकि कांग्रेस की फेर हिस्ट तो लंबी है लेकिन प्रमुख नाम जो मैंने आपको बताए। अब अगला अगर नाम ले तो फिर यहां पे नाम आता है बिजेंद्र रेडू का। वो इंडियन नेशनल लोकदल से तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बिजेंद्र रेडू पिछली बार भी चुनाव लड़े और स्थिति उनकी बहुत खराब रही, लेकिन अब इनेलो और बसपा का गठबंधन हो चुका है, और गठबंधन के बाद में क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का जो रूठा हुआ वर्कर था जो जेजेपी के पास चला गया था वो भी वापस आ रहा है, बड़ी बात रहेगी कि इनेलो यहाँ पर कैसी चुनौती देगी। अगर मैं जननायक जनता पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पर कोई प्रमुख नाम तो नहीं सुझाई देता, मेरी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई थी, लेकिन फिर भी कुलदीप रंधावा का कह सकते हैं, वो जुलाना की बात भी करते हैं और वो बात करते हैं जींद विधानसभा की भी। इसके अलावा भी और भी बहुत लोग होंगे क्योंकि ये समीक्षा का कार्य लगातार जारी रहेगा और हम भी आपको बताया करेंगे कि कौन से विधानसभा में क्या हो सकता है। लेकिन चर्चा एक बार फिर वापस आएगी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पर कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा क्या भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे।
और क्या भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पर अब की बार भी भरोसा जताएगी, क्योंकि सैनी समाज भी यहाँ पर अपनी पूरी दावेदारी कर रहा है और सैनी समाज के मतदाता भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। इसके साथ बीसी समाज के मतदाताओं को अगर जोड़ लें तो फिर वो कुछ कमाल करने की स्थिति में वो भी आ जाते हैं। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की पिछले दिनों नाराजगी की बातें भी सामने कई बार आती थी, लेकिन अब वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलता या उनका कहीं मन बदलता है तो क्या फिर वो उनकी बात क्या कहीं कांग्रेस में बन सकती है, या कहीं वो पुराना उनका जो परिवार था इंडियन नेशनल लोकदल उस साइड भी जा सकते हैं? ये सवाल हैं, लेकिन ये सवाल तभी हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की टिकट को खतरा हो, और या फिर कहीं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को ये लगे कि भाजपा में भाई सूत बैठेगा नहीं, अपना कुछ और रास्ता देखें। ये सारे सवाल तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन ये जरूर है कि जींद विधानसभा में भी जो प्रत्यक्ष मुकाबला दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला दिखाई दे रहा है, और लोगों की नज़र इस पर है कि इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ कितनी मजबूती ले सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कृष्ण मिड्डा हैट्रिक बना सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कृष्ण मिड्डा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे या फिर यहाँ के कुछ समीकरण बदल सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, जिसकी स्थिति पिछले टाइम में बहुत खराब हो गई, अब की बार क्या वो रिकवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में या उनको झटका देने में कामयाब हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।